बाबा दो दिन से भूखा हूँ। बाबा? भाई मैं तुम्हें बाबा लगता हूँ? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, और अभी तो मैं टीनेजर हूँ। शक्ल से मैं आपको अंधा लगता हूँ? वैसे शक्ल से ना तू एथोपिया का बशिंदा लगता है, कहत ज़दा। मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया। और क्यों है? क्यों नहीं खाया? तुम डाइटिंग कर रहे हो या किसी ने खाने से मना किया है? तुम्हारे हाथ पैर बांधे हुए हैं। गरीब मिस्किन हूं बाबा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, तू ना भीख मांग रहा है। भीख? नहीं नहीं, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, भूखा हूँ। हया कह रहा है, शर्म कह रहा है तू। ये तेरी उम्र जो है ये भीख मांगने वाली है? नहीं। ओए ये तेरे स्कूल जाने की उम्र है। वैसे सदके जाऊँ मैं तेरे माँ बाप के। और तेरे माँ बाप किस किस्म के हैं? खबरदार, मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकता। ओए एक मिनट, छुरी के नीचे साल है, सब्र कर जरा। मैं डुगडुगी देखने वालों को ना एक जरूरी मैसेज दे दूँ। ओए जब खिला नहीं सकते तब पैदा क्यों करते हो? ये मैसेज किसको दिया आपने? डायरेक्ट तेरे माँ बाप को। मेरे माँ बाप नहीं है तो बगैर माँ बाप के कैसे पैदा हो गया? नहीं मैं यतीम बिस्की हूँ बाबा। ए, तो यतीम खाने से भाग क्या है? नहीं, अब खामखा मेरा टाइम जाया कर रहे हैं। कुछ खाने को ला दें। कहाँ से? किचन या फ्रिज से। ओए हमने यहाँ होटल खोला हुआ है, मुंह उठा के आ गया तुम। मैं ना तुम्हें धक्के मार के भी यहाँ से निकाल सकता था, पर मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहता। आप हाथ क्यों नहीं लगाना चाहते मुझे? ये बड़ी लंबी स्टोरी है। एक दफा ना मैंने हाथ लगाया था, ये स्टोरी मेरे गले पड़ गई थी। हाथ लगा के देखें जरा। ओए शराफत से चला जाए वरना मैं आगे से धक्के दिलवाऊंगा तुम्हें। आगा मतलब मिस्टर फ्राडिया ना? ओए तू मिस्टर फ्राडिया को भी जानता है? डुगडुगी मैं भी देखता हूँ। अच्छा जी माँ जी। तू इस बच्चे से बहस कर रहा है? ये बच्चा नहीं है माँ जी, ये बैगर है, बैगर। ये बड़ा होके बहुत बड़ा बैगर बनेगा, फकीर। माँ जी हम ना इसे IMF में भेजेंगे। ये वहाँ से ना इतने इतने डॉलर बोरियों में भर के लाएगा। इसने तो प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। तेरा माँ जी मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैं बैगर नहीं हूँ, मुझे कुछ खिला दे। चल दफा हो वरना। बेटा तू भूखा है? जी। आप उतर, मैं तुझे इज्जत से खाना खिलाऊंगी। माँ जी आपने तो बैगरों के खिलाफ मिशन शुरू किया हुआ था कि किसी को कुछ नहीं देना। चुप कर, तूने सुना नहीं उसने क्या कहा? मैं बैगर नहीं हूँ, भूखा हूँ, और भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम है। मैं उसे बैगर समझता रहा, वो हंगर निकल आया। जनाब उतर, अंदर चल। हाँ मैं चला चला कहाँ से आ रहा? शिवाजी आपने बुलाया? हाँ हमने बुलाया तुझे। क्या बात है, तेरी लाडली बीवी बेबी डार्लिंग आज भी नजर नहीं आ रही? वो 2-4 दिन तक ना और नजर नहीं आएगी। वैसे हमने तुझ जैसा बेगैरत जनमुरी जोरू का गुलाम आज तक नहीं देखा। तो ये देखे ना, ये कौन है? ये देखें अच्छी तरह देखें। वैसे तूने अपनी बीवी को ना बहुत ढील दे रखी है। लगता है बाजी आपने नई रिसर्च नहीं पढ़ी है। कैसी वही जो तू कह रहा है? जो शोहर मुसलसल अपनी बीवियों के साथ रहता है ना, कुंद जहन हो जाता है। कुंद जहन? क्या? भाईजान की मिसाल आपके सामने। तेरा कहने का मतलब है कि अशरफ हमारी वजह से कुंद जहन है? अरे बाजी आपने रिसर्च का दूसरा हिस्सा तो सुना ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है जो मर्द औरतों की साय में रहते हैं वो कुंद जहन हो जाते हैं। मिसाल आपके सामने मौजूद है भाईजान और माँ जी। हाँ वैसे ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा है। इसलिए मैंने कहा बेबी डार्लिंग को तुम 2-4 दिन अपनी सहेलियों के साथ रहो। अच्छा तो ये बात है। वैसे एक बात बोलो बाजी आपको, आजकल मैं आजादी और तन्हाई एंजॉय कर रहा हूँ। वो कैसे? बैठ के किसी भी कोने पे सो जाता हूँ मैं। एक रिसर्च हमारे पास भी है वैसे। वो क्या? तुझ जैसे भाई और शोहर को बेगैरत कहते हैं। आपने सुबह सुबह मुझे जलील करने के लिए बुलाया? शगुफ्ता आ गई बड़ी बी की मिस्ड कॉल। तुझसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले जरा बड़ी बी से निपटा। किधर से आए हो बेटा? ए, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? मुसलसल सवाल पूछ पूछ के मेरा दिमाग पका दिया है। पहले कुछ खिला तो दो, फिर जितने चाहे सवाल पूछ लेना। ए, खाने में चिपेड़े खाएगा या कसौन? माँ जी आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा ये हमारे खास मेहमान हैं। हैं? मेहमान साशे पैकिंग में? मैं मेहमान नहीं हूँ, भूखा हूँ। शगुफ्ता जल्दी से इसके लिए खाने का बंदोबस्त करो। माँ जी लेकिन लंच तो हमने अभी तक बनाया ही नहीं। क्यों? क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि आज संडे है ना। क्यों संडे को तेरी छुट्टी होती है? नहीं नहीं, अशरफ सौदा लाएंगे तो पकाएंगे ना माँ जी। पहले ये दोनों पका रहे थे, अब ये भी पका रही है। फ्रिज में जो कुछ पड़ा हुआ है ना ला के इसको दे दो। आप लोग मुझे बासी खाना खिलाएंगे? फ्रिज में रखा हुआ खाना बासी नहीं होता पुत्र। जो भी खिलाना जल्दी खिला दो, वरना अगर मैं भूख के मारे मर गया तो सबको जेल में चक्की पीसना पड़ेगी। जो कुछ भी फ्रिज में है ना लेकर आओ और रोटियां पका के इसको अच्छी तरह खाना खिलाओ इस भूखे को। भूखे को जी। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है स्वीट डिश की गुंजाइश है? जी है। 13 रोटियां खा गया तू। और तेरा मिद है कि उम्रो यार का वो थैला जो यहाँ लटका के घूमता था वो। तू इंसान है कि जिन का बच्चा है? वो जिसे कहते हैं जिन का बच्चा। ये लो मीठा। मीठा खा। ओए तुमने वो स्वीट डिश ले ली है ना? अब चल पतली गली से निकल, शाबाश चल। शाबाश। मैं माजी से मिलना चाहता हूँ। वो क्यों? मैं उस नेक औरत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये औरत जो गर्मी में खड़ी हुई तेरे लिए रोटियां बना रही थी, इसका शुक्रिया अदा नहीं करेगा तू? ये नेक औरत नहीं है क्या? ये आपकी बीवी है? हाँ। फिर ये नेक के साथ जन्नती भी है। उठा, तुझे माँ जी से मिलाऊंगा, जा। हाँ यार बहुत काली, उठा नहीं जा रहा। एक काम करो, माँ जी को उधर बुला लो। माँ चपेड़ मारने। उठ, नवाब का बच्चा बना हुआ है। उठ। रोटी शोटी खिला दी है। ओए, और तू तो आते ही चौड़ा हो गया, फैल ही गया बिल्कुल। माँ जी के पास तो कभी मैं नहीं लेटा, तू आते ही लेट गया है। माँ जी आप लंच के बाद कैलूला करती है ना? हाँ। माँ जी ना दिन में 10-12 दफा कैलूला करती हैं। बस तो मैं भी कैलूला कर रहा हूँ। अब 2-4 घंटे मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सो रहा हूँ। माँ जी बोल। माँ जी ये तो कोई नमी मुसीबत गले पड़ गई है। जो भी आता है गूंद की तरह हमें चंबड़ जाता है, जिसे गम कहते हैं। अच्छा माँ जी प्यारी लिंदी। भाईजान, भाईजान, मैंने सुना है कि आपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया? खोते, जात नस्ल का पता नहीं, मैं क्यों बच्चा अडॉप्ट करूंगा? ये सारी ना माँ जी की मेहरबानियाँ हैं। ये माँ जी की मेहरबानियाँ नहीं है, ये सिविल नाफरमानियाँ हैं। सिविल नाफरमानी? तुम धरने से आए हो, मतलब क्या है? भाईजान इस तरह किसी अजनबी को घर में रखना कोई अकलमंदी है? ओए आगा, मैं ना कसम से तेरे जरिए से धक्के मार के निकालना चाहता था। वैसे एक बात बोलूं, अजनबी अजनबी होता है। और सीमट के खोते, वो अजनबी नहीं, वो बच्चा है। भाईजान ये बच्चा खुदकुश हमला आवर भी तो हो सकता है। आगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। भाई हो सकता है उसके पेट में बम लगा हुआ। ओए उसके पेट में तो रोटी नहीं, तुम बम की बात कर रहे हो। ये भी हो सकता है भाईजान वो बच्चा गैर मुल्की जासूस हो। भाई आगा वो तेरी खुफिया सरगर्मियों की जासूसी करने आया होगा। अरे मेरा कहने का मतलब है वो किसी डाकू कंपनी का मुखबिर भी हो सकता है। नहीं नहीं आगा ये बात तो कन्फर्म है कि वो बेचारा ना भूखा था। भूखे की एक्टिंग कर रहा था भाईजान वो। ये भूखे की एक्टिंग क्यों कर रहा था? घर में दाखिल होने के लिए। आगा मैं पता नहीं कितने दिनों का भूखा, 13-14 रोटियां खा गया, ऊपर से इतनी सारी स्वीट डिश भी चित गया। सोच ले, सोच ले, तू को 10 तोले सोना दे रहा है जीतो पाकिस्तान में, तुम अपने आप को तुम फाहद मुस्तफा समझते हो? फाहद मुस्तफा भी तो दोस्ती है ना भाईजान मेरा। वैसे आप ना भट मामू के कान में डाल दें। 10 तोले सोना मामू के कान में डाल दूं? बच्चे की बात मामू के कान में डालने की कह रहा हूँ भाईजान मैं। क्यों? फॉर सेफ्टी भाईजान, अल्लाह ना करे कल कला को कोई बात हो जाए तो एटलीस्ट हम लोग बच तो जाएंगे। ओए शैतान, ये जो शैतान होता है ना लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, तू मेरे कानों में फसफसे डाल रहा है। शैतान और मेहरबान में ना सिर्फ 19-20 का फर्क होता है, और मैं इस वक्त आपके लिए मेहरबान हूँ। मैं तो उसके बड़ा सख्त खिलाफ था, और माँ जी उसको जबरदस्ती अंदर ले आई, अब खुद ही माँ जी भुगतेंगी। सोच ले भाईजान बड़ा नाजुक दौर है, कदम कदम पे फ्रॉड है। और तुम्हें तो अच्छी तरह पता है इस घर में भी एक फ्रॉडिया है, बल्कि महा फ्रॉडिया है। भाईजान क्या है फॉरेन पर्सनल हो जाते हैं, यही प्रॉब्लम है आपके साथ। ओए प्रॉब्लम तो असल में वो बच्चा है, पर माँ जी ये बात नहीं समझ रही। कि तू 2 दिन से सोया भी नहीं है। अब तो नींद पूरी कर ली ना तूने? जी माँ जी। अब बेटा तुम अपने माँ बाप के पास जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। माँ जी मेरे माँ बाप नहीं है। जिधर से आए हो उधर चले जाओ अपने घर। मेरा तो कोई घर भी नहीं है। ये भी तो तेरा घर नहीं है। माँ जी आप मुझे अपने पास रख लें, मैं आपकी खिदमत करूँगा। खिदमत के लिए मेरा अपना पुत्र है ना बेटा। माँ जी इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, आप मुझे अपने पास रख लें, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। वो तो ठीक है, पर मैं तुझे जानती नहीं हूँ बेटा, मैं तुझे कैसे रख लूँ? माँ जी मैं 1 साल का था तो मेरी अम्मी अबू का कार एक्सीडेंट हुआ और वो फौत हो गए। फिर मैं 1 साल का था तो मामू मुझे घर पे ले आते। फिर वो मानी बड़ी जालिम थी, घर के सारे काम कराती थी। 1 साल के बच्चे से काम करवाती थी? माँ जी मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चों के पोतेड़े धुलवाती थी, बर्तन मैं धोता था और अगर काम में कोई ऊंच नीच हो जाए तो 2 दिन तक खाना नहीं देती थी। बड़ी जालिम औरत थी। छड़ी से ऐसी ऐसी जगह मारती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो तूने अपने मामू को नहीं बताया कभी? एक दफा कोशिश की थी, बहुत मार पड़ी थी। फिर? और एक दिन मुझे मौका मिला और मैं वहाँ से भाग गया और अब मैं यहाँ आ गया हूँ और यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और आप ही मेरी माई बाप है। अच्छा किया तूने, उस जालिम औरत को तो अल्लाह पूछेगा, एक यतीम मस्कीन के साथ ऐसा सलूक। हाँ, मुझे मुलाजिम रख लेना। नहीं पुत्र, मैंने फैसला कर लिया है, आज से तू इस घर में रहेगा, इस घर का एक फर्द है तू और बाइज्जत फर्द की तरह रहेगा। यार माँ जी, मैं आगे की तरह बेइज्जत नहीं रहना चाहता, मेहनत करना चाहता हूँ और मेहनत में अजमत है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है, चल मैं तुझे घर वालों से मिलवाती हूँ, आ जा। मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलवाया है कि मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहती हूँ। जरूरी ऐलान है? हाँ, ये बच्चा आज से इस घर का एक फर्द है। वो क्यों? मैंने इसकी स्टोरी सुनी है, बहुत दर्दनाक स्टोरी है। माँ जी, ये जो डुगडुगी है ना, ये कॉमेडी सिटकॉम है, इसमें ये इस किस्म की गंभीरता और इस किस्म के कैरेक्टरों की जरूरत नहीं है। बस, मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला माँ जी? आज से इस बच्चे की तालीम और तरबियत हम सब मिलकर करेंगे और ये स्कूल भी जाएगा। नहीं नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। बच्चे, मेरे जैसा कामयाब आदमी बनने के लिए तुम्हें प्राइमरी स्कूल तो जाना पड़ेगा। मुझे आपकी तरह कामयाब आदमी नहीं बनना। क्यों, खुद करा ली अपनी बेइज्जती? मैं हराम बच्चा नहीं हूँ, गैरतमंद बच्चा हूँ, इस घर के सारे काम करूँगा, सब काम करूँगा। कोई एतराज? माँ जी, आपके फैसले से तो मैं एतराज करने का सोच भी नहीं सकता। शाबाश माँ जी, आपका फैसला बहुत अच्छा है, इस बच्चे को तो हम खुद पढ़ाएंगे। पहले खुद तो पढ़ लो। अरे रहने दीजिए रहने दीजिए, आपसे तो अच्छे ही है, मैट्रिक फेल है, नमी तक तो पढ़ा ही सकते, कोई जाहिल गवार नहीं है हम। हाँ, और मुझे, तुझे कोई एतराज नहीं? मुझे सिर्फ एक बात करनी थी। कर? मैं ये कहना चाह रहा था कि जब इंसान जानवर पालता है ना, तो मसलन जैसे मुर्गी, कुत्ता, बटेर, ये सारी चीजें, तो उसकी नस्ल जानता है ना पहले। इस बच्चे की नस्ल ना तुझसे तो अच्छी है। आगा, अब तेरी बेइज्जती हो गई। अगर बेबी डार्लिंग को एतराज हुआ तो उसको मैं समझा लूंगी। अब बताइए ना मुझे करना क्या है, मैं सिर्फ आरिक नहीं बैठ सकता। चलो हम तुम्हें अलिफ बे का कायदा पढ़ाते हैं। ना शगुफ्ता ना, सबसे पहले मैं इसे माँ जी के पैर दबाने की ट्रेनिंग दूंगा। चलो भाई, कम विद मी, आप दोनों आए मेरे साथ। आए माँ जी, आए। लो जी माँ जी, अब ना मजे आ जाएंगे। मुन्ना, अब मेरी बात गौर से सुनना मुन्ना। माँ जी, मुझे ना फिल्म स्टार मोहम्मद अली सर याद आ गए। अरे क्या अच्छे अदाकार थे। और सुन भी रहे हैं कि नहीं मेरी बात? अरे माँ जी के पैर जो है ना, वो यूं दबाने, पम पम पम। वाह वाह मुन्ने, क्या अच्छे पाँव दबा रहा है। मैं ना अपनी मम्मी के पैर भी इसी तरह दबाता था। हट परे, छोड़ मेरी जन्नत। हद हो गई, तुमने पहले दिन ही मेरी दुकान बंद करा दी है। कमाल कर रहे हो तुम, मैं भी माँ जी के पैर ऐसे ही दबाता हूँ। अशरफ जी, माँ जी मेरे पैर ना आज से मुन्ना दबाया करेगा। माँ जी, अभी हाँ जी नहीं कहना, अभी पूरा एपिसोड बाकी है। माँ जी पढ़ो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अलिफ से अनार, अलिफ से आलू, अलिफ से आटा और अलिफ से आगा। नहीं बेटा, उसमें मद्दा होता है, ये अलिफ। हाँ तो सबसे पहले मद्दा आता है, उसके बाद अलिफ आता है और अलिफ से अशरफ। वाह भाई, अब पढ़ो बे से बंदर, बे से बनमानस, बे से बेहूदगी और बे से बीमारी, पे से पतंग, पे से पकौड़े, पे से प्याज, ते से तितली, ते से तूतू मैमे, सूखी सड़ी भिंडी और नौमन की गैया, से से समर, समर, से से समरीन, ते से टमाटर, ते से टर टर मेंढक की आवाज, जीम से जहाज, जीम से जानवर, जीम से जनाजा और जीम से जन, चे से चूहा बेटा, चे से चांदनी, चे से चमचे और चे से चिड़िया। शाबाश, तुम तो बहुत पढ़ाकू हो बेटा। पढ़ो, हे से हुक्का, हे से हलवा जो मौलवी खाते हैं, हे से खरबूजा, हे से खरदिमाग। बस बेटा, आज के लिए बहुत है, इतना ही। अरे नहीं नहीं, अभी तो रे से रोमांटिक बातें करनी है। नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गया, जाओ जाओ। तीन सौ एक, 302, 303। अरे बस यार, थक गया। थक गया मतलब? मतलब ये कि जब 303 डंट पेलूंगा तो थकूंगा नहीं। भाईजान, डंट तो ये मुन्ना कर रहा था, आप कहाँ से थक गए? मेरे पे, आप पे लगा रहा था, तुम समझो कि मैं ही लगा रहा था। अच्छा एक काम करें, थोड़ी देर के लिए इस मुन्ने को जरा मेरे हवाले तो करें। ओ क्यों? भाईजान कपड़े इस्त्री करवाने मैंने अपने। नहीं 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 नहीं, नहीं आगा, मुझे ना अभी मुन्ने से और बहुत सारे काम कराने हैं। ये ज्यादती है भाईजान मुन्ने के साथ मेरे साथ। आगा अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या? कल से ना मैं मुन्ने को अपने साथ ले जाऊंगा दफ्तर। मेरे दफ्तर के काम भी सारे मुन्ना ही करेगा है। हाँ मैं सारे काम कर सकता हूँ। मुन्ने आया बाजी। वो देख आगे मिट्टी लगी हुई है। चाइल्ड लेबर। इस बच्चे का मालिक कौन है? ये अशरफ भट्ट। ये बेशर्म आदमी बच्चे से काम लेता है। तुझे पता नहीं कितना बड़ा जुर्म है बच्चे से काम लेना। आगा बच्चों से काम लेना जुर्म होता है? हाँ बहुत बड़ा जुर्म है बच्चे से काम लेना। मैं भी यही कह रहा था कि बच्चों से काम लेना बहुत बड़ा जुर्म है। यार तू तो खुद काम करना चाहता था, तू तो बाइज्जत बच्चा है। वो तो मैं हूँ। अशरफ भट्ट अदालत से तुझे सजा जरूर मिलेगी। अब फिक्र न करें, मैं अदालत में बिल्कुल मुकर जाऊंगा कि मुझसे कोई काम नहीं लेता। मैंने तो आपका नमक खाया है ना। मैं खुद इस वाकई का चश्मदीद गवाह हूँ। अदालत में पुलिस की गवाही नहीं मानी जाती। एक मिनट, ये देखें मेरे पास सबूत है अदालत को पेश करने के लिए। ये तस्वीरें देखें, इससे काम करवा रहा है। ये देखें कैसे काम करवा रहा है। ये देखें आप। अशरफ भट्ट और आप दोनों थाने चले, बच्चों से काम लेते हैं। ऐसे ही साहब मेरा मोबाइल तो दे दें, 40,000 का लिया था मैंने। अब ये मोबाइल कानून की मिलकियत हो गया और अदालत में बतौर सबूत पेश किया जाएगा। चले आप लोग थाने। माँ जी। हाँ जी।